देखिए, नव ग्रहों में बृहस्पति को गुरु कहते हैं, गुरु माने सबसे बड़ा, और गुरु का और मंत्रणा का स्वामी है, मंत्रणा माने काउंसलिंग करता है। तो बृहस्पति गुरु भी है और काउंसलर भी है, सबसे बड़ा प्लेनेट है ये, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह भी है। बृहस्पति का एकमात्र राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। बृहस्पति अनुकूल होने पर बहुत शुभ होता है, लेकिन याद रखिए कि अनुकूल होने पर जितना शुभ होगा, अगर बृहस्पति अपोजिट हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो बृहस्पति के जो परिणाम हैं वो भयंकर अशुभ हो जाते हैं। 5 तत्व होते हैं पूरे कुंडली में अगर देखें, या अपने जीवन में अगर देखें, उसमें बृहस्पति के पास जो तत्व होता है वो होता है आकाश तत्व। और आकाश तत्व का प्रभाव इतना ज़्यादा व्यापक और इतना ज़्यादा विराट है कि बृहस्पति बहुत शक्तिशाली होता है और बृहस्पति से बनने वाले राजयोग भी उतने ही ज़्यादा ताकतवर। देखिए, बृहस्पति केंद्र स्थान में काफ़ी मजबूत माना जाता है, और उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में हो तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नतो कोपि केसरी। यानी सारे ग्रह क्या कर लेंगे, क्या नुकसान पहुंचा लेंगे अगर आपके केंद्र में बृहस्पति बैठा हो। क्योंकि बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो तो कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है, व्यक्ति की आयु लंबी करता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। लेकिन मकर राशि में अगर बैठा हो बृहस्पति, तब ये शुभ प्रभाव नहीं देता। अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा है और ये शुभ है तो धर्म स्थानों पर जरूर जाएं, साथ ही नियमित रूप से अगर आप तिलक लगाएं तो आपके लिए बहुत शुभ हो। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हों तो गजकेसरी योग कुंडली में बन जाता है। ये योग कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति शासन में और राजनीति में विशेष सफलता पाता है। ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं बहुत सफलता पाते हैं। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, साथ ही साथ अगर संभव हो तो एक पीला पुखराज भी धारण करना। बृहस्पति से बनने वाला ये हंस योग दरअसल एक पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति अगर कुंडली में कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में हो तो हंस महायोग बन जाता है। लेकिन ये योग तभी काम करता है जब ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, लग्न पंचम नवम में हो या लग्न चतुर्थ सप्तम या दशम में हो। अगर कुंडली में हंस योग हो तो इस योग के होने पर व्यक्ति सम्मान बहुत पाता है। लेकिन अगर ये योग कुंडली में है तो जीवन में सात्विक रहिए, जहाँ तक हो सके व्यक्ति को शुभ और धर्म के कार्य करते रहना चाहिए।